हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आप जो भी मेरा व्लॉग देख रहे हो, आप सभी मम्मी को हैप्पी मदर्स डे। तो आप देख रहे हो हम लोग डेकोरेट कर रहे थोड़ा रूम को, और यहाँ पे मम्मी का बहुत सारा फोटोज है, ये हम निकाल रहे हैं ताकि थोड़ा सा डेकोरेट कर सके। आज मदर्स डे है तो मम्मी को थोड़ा सा सरप्राइज देंगे। तो जो भी तो मम्मी को कमी है, क्योंकि यार मम्मी लोग जो हमारे लिए किए वो तो क्या ही बताए, नहीं बोल सकते। तो जितना भी मतलब थोड़ा बहुत उनके लिए करने की कोशिश करेंगे, उनको थोड़ा सा सरप्राइज देने की कोशिश करेंगे। तो वो अभी अलग रूम में सो रहे हैं और मैं और पेचके मिलकर थोड़ा बहुत कर रहे हैं। ये क्या, ये तो छोटी बच्ची क्या ही करेगी, मैं थोड़ा बहुत करूँ। तो बने रहे ब्लॉग में, और फोटो वगैरह निकाल रही हूँ, उनका फोटो देख लीजिए। पहले जब वो काफ़ी जवान थे ना, पहले मतलब जवान उम्र के फ़ोटो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, देख लीजिए। तो देखिए, ये मतलब 2012 की फ़ोटो है, और ये देखिए मम्मी के शादी से पहले की फ़ोटो। ये है मेरा मम्मी, ये देख लीजिए, ये वाला है, देख रहे हो कितना, ये नहीं है, ये देखिए कितना सुंदर थे पहले। और ये मेरा मम्मी पापा का फ़ोटो, ये मेरा मम्मी का फ़ोटो, ये साथ में कोई और है मतलब किराएदार है, ये मेरा मम्मी है। तो देखते और फोटोज़, यहाँ पर ढेर सारे एल्बम्स रखा है, आप देख सकते हो। तो यहाँ से निकाल रहे हैं, आप देखते जाओ। तो यहाँ पे देखिए, चाचा जी का शादी में मेरा खुद का ही चाचा है मतलब, तो उनके चाचा का शादी में मेरा मम्मी, ये देखिए पीछे, ये देखिए मेरा मम्मी, कितना सुंदर थे ना पहले, कितना सुंदर थे। और ये देखिए मेरा मम्मी जब नई नवेली दुल्हन थी, एक साल या 6 महीना हुआ था शादी का, तब का फ़ोटो है। और ये मेरा दादी जी है, मतलब मेरा मम्मी जी का, मेरा मम्मी का सास, और ये मेरा चाचा है, उनके शादी में उनको मतलब हल्दी वगैरह रसम करवा रहे हैं। और ये मेरा मम्मी है, देखिए कितना क्यूट थे मेरा मम्मी। और यहाँ पे देखिए, हम कामाख्या मंदिर गए थे आसाम गुवाहाटी में, कामाख्या मंदिर है ना। तो ये मेरा मामा जी, ये मामी जी, और मम्मी, और पापा, और यहाँ पे तो मैं हूँ, आप देख ही सकते हो। तो यहाँ से देखते हैं कोई फ़ोटो वगैरह में, ये देखिए मेरा बचपन का फ़ोटो, ये देखिए देख रहे हो, मतलब ये मेरा चाची का साली है, मतलब ये मेरा चाची का बेटी है, तो उनका साली के शादी में हम लोग गए थे, मैं बहुत छोटी थी तब। और यहाँ पे मेरा मम्मी है, देख सकते हो आप, देख लीजिए, देखते, ये भी मेरा बचपन की फ़ोटो है। और ये जब मैं 12th में पढ़ती थी तब की, ये मेरा दोस्त थी एक, ये मतलब गली के कोई दोस्त थी। तो ये हम कामाख्या मंदिर में घूमने गए थे, ये मेरा मामा जी का बेटा है, मामी जी। तो देखते हैं फ़ोटो वगैरह लगाएंगे। तो आप देख सकते हो मैं तैयार हो चुकी हूँ, मैंने ये ड्रेस पहनी ऑनलाइन से जो लिया था मैंने वो पहनी है, और ये भी मेरे साथ जा रही है। तो हम दोनों केक लाने जा रहे हैं, मम्मी को सरप्राइज़ देंगे। तो अभी तैयार हो चुके, तो चले चलते हैं, मेरे साथ बने रहे व्लॉग में। और वेदर काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैं जा रही हूँ मतलब केक लाने मम्मी के लिए, तो मदर्स डे स्पेशल। तो रास्ते पे देखा ना, रामधनुष उठा है, आप देख सकते हो रेनबो आसमान में। तो थोड़ा बहुत बारिश हो रहा था ना, धूप निकला था, तो थोड़ा बहुत मतलब मैंने शूट कर लिया कि रेनबो आसमान में कितना अच्छा लग रहा था। तो अभी हम रास्ते में है, केक लाने जा रहे, और ये है पेस्ट्री शॉप में हम आ गए, यहाँ से हम एक केक खरीदे, बहुत अच्छा अच्छा टेस्टी टेस्टी केक था यहाँ पर। तो हमने यहाँ से एक अच्छा सा मतलब चॉइस करके एक ले लिया है, और लेने के बाद फिर हम मिठाई के दुकान पे गए थे। मिठाई के दुकान से थोड़ा बहुत बारिश भी हो रहा था उस दिन, काफ़ी मतलब सुबह से बारिश हो रहा था थोड़ा बहुत करके संडे के टाइम। तो बलून फुलाने की कोशिश कर रही थी, मेरे से नहीं हो पा रहा था यार, बहुत ट्राई कर रही थी। तो आप देख सकते हो कि लाइट चली गई है, सुबह से यहाँ पे लाइट नहीं है, बहुत ज़्यादा बारिश हो रहा था, और मैंने कुछ बैलून्स लाए यहाँ पे डेकोरेट करने के लिए, थोड़ा बहुत किया है, और लाइट चली गई। आपको अभी अंधेरा लग रहा है क्योंकि सुबह से ऐसा मतलब लाइट नहीं है, तो मैंने एक चार्जर का लाइट जलाया, जो पीछे एक छोटा सा चार्जर का लाइट होता है ना, वो जल रहा है। तो मैं ट्राई कर रही हूँ इसको फुलाने की, चले देखते फूलता है कि नहीं, मुझे वैसा आता नहीं है। और पेचकी को मैंने बुलाई थी, तो वो अभी उसका मम्मी उसको बुला रहे थे, तो वो चली गई है, थोड़ी देर बाद फिर आएगी, वो कुछ काम था इसलिए उसका मम्मी उसको बुला रही थी। मुझे बलून्स फुलाना आता नहीं है, वैसे पंप होता है वो मेरे पास नहीं है, बजट से बाहर है, इसलिए मैंने नहीं लाया। एकदम छोटा मोटा सरप्राइज़ है जो मम्मी को देना है, तो आप देखते जाइए। तो मैंने बहुत कोशिश किया, मेरे से फूल नहीं रहा, बहुत ही कष्ट करके मैंने एक फुलाया है,
तो फिर उसके बाद मैं जो पेचकी है ना उसको बुलाई थी, तो वो आके आराम से फुला के दे रही थी। ज़्यादा नहीं था, बस 10 ही बलून था, ज़्यादा बलून्स हमने नहीं लाए। और ये चार्जर लाइट जल रहा है, लाइट नहीं है ना सुबह से। और यहाँ पे आप देख रहे हो मम्मी का कुछ फ़ोटोज़ वगैरह हमने लगाया है। ये देखिए हमने सजा लिया है, मतलब तो एकदम छोटा सा मतलब डेकोरेट किया, कुछ तामझाम नहीं किया है। आज संडे था और बारिश भी हो रहा है, सुबह से बारिश भी हो रहा था, इसलिए आप देख सकते हो कुछ फोटोज़ वगैरह लगाया है, मतलब थोड़ा बहुत बैलून्स वगैरह लगाया है, ज़्यादा मतलब। ये देखिए मेरा स्टूडेंट भी आ चुकी है, काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रही है, हाय बोल दे। तो बस छोटा मोटा सा कुछ डेकोरेशन किया है, ये पैच किया है, ज़्यादा तामझाम नहीं किया। अभी लाइट आई है, आप देख सकते हो काफ़ी टाइम बाद आई है, पूरा दिन नहीं था लाइट। और काफ़ी सुंदर ड्रेस वगैरह लगा के आई है ये, तो आएगी। और एक दोस्त मतलब दोस्त को बुलाया है मैंने। ये देखिए केक आ गई है, ये साइड में जो लगा था ना इस पर लग गया, देख सकते हो बॉक्स के अंदर, क्योंकि मतलब जब निकालते टाइम ये इस पर लग गया था। तो ये रहा केक, छोटा सा सिंपल सा। तो चले थोड़ा बहुत तैयारी कर लेते हैं। तो फिर उसके बाद हम मम्मी को बुला रहे थे, मतलब बारिश बारिश था ना, तो इसीलिए मतलब एक दो आंटी को भी बुलाए थे, वो लोग नहीं आए, बारिश हो रहा था, लाइट भी बार बार जा रही थी बाहर। और जो हमारे घर में किरायेदार रहता है, दो आंटी वो लोग आए थे और बच्चा लोग डिनर करके गए। तो हम लोग रोटी और छोले और चिकन बनाए थे और केक, बस और कुछ ही नहीं, एकदम सिंपल तरीके से बनाया था। और दो तीन आंटी आए भी नहीं क्योंकि उनको बीमार भी था और बारिश भी हो रहा था ना बाहर, और कोई कोई तो बीमार था। मेरा दोस्त को बुलाई थी, वो भी नहीं आ पाई, उसको बीमार था, वो लड़की तो बीमार हो गई थी बारिश की वजह से। तो ये रोटी चिकन और छोले केक ये सब खा रही है रात का डिनर, मतलब हम लोग भटूरे वगैरह नहीं बने क्योंकि आजकल घर घर में ऑयल खा के गैस वगैरह हो रहा है इसीलिए। तो रात का डिनर वगैरह हम लोग कंप्लीट कर लिया है, तो अभी सो जाएंगे, काफ़ी रात हो गया है। तो आज का व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, बाय बाय।